हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ऐसी मिठाई जिसमें ना तो चाशनी की जरूरत पड़ेगी, ना गैस जलाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल झंझट में एकदम सिंपल तरीके की मिठाई है गाइस, और एक ऐसी सीक्रेट चीज से बनाने वाली हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे तो मैं आपके साथ ये वाली मिठाई शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास एक कटोरी देसी घी है, तो हम बड़े वाले कटोरे में इसको डाल देंगे। इसमें डाल दिया। अब ये मेरे पास एक कटोरी पिसी हुई शक्कर, इसको बोलते हैं बूरा, तो मैं इसको ना थोड़ा आराम आराम से डालूंगी, पूरा एकदम नहीं डालूंगी। अब इसको है ना हम इसमें एक सा कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये शक्कर घी एक से हो जाए, मिल जाए अच्छे से। इसको हमें ना बहुत अच्छे से फेंटना है, एकदम ये फ्लफी हो जाएगा फैट फैट के, और शक्कर पूरी हमारी है ना घी के अंदर मेल्ट हो जाएगी गाय। वही आप देख रहे हैं, इसने ना अपना घी का एकदम कलर भी बदल गया, एकदम वाइट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये मेरे पास है ना एक कटोरी अमूल पाउडर है, मिल्क पाउडर जिसको बोलते हैं, सूखा दूध का पाउडर, अमूल कंपनी का है, आप जैसा चाहे उस हिसाब से ले सकते हैं। अब इसे मैं फिर अच्छे से खूब इसमें मना मिक्स कर लूँगी ताकि ये हमारा ना मिल्क पाउडर अच्छा से इसमें मिल जाए। अब इसमें डालेंगे हम सीक्रेट चीज़ जो मेरे पास है, एकदम सीक्रेट, इससे इसका स्वाद बहुत ही जोरदार बनाएगा गाइस। अभी मैं इसको अच्छे से इसमें मिला लेती हूँ। अब इसमें हमने अच्छा सा मिल्क पाउडर मिला दिया है। अब इसका सीक्रेट है ये पार्ले जी के बिस्किट। ये मेरे पास है ना दो पैकेट बिस्किट हैं। अब इनका एकदम मैं फाइन पाउडर बना लेंगे मिक्सर में, ग्राइंडर में डाल के इनको एकदम बारीक सा पाउडर बनाना है गाइस। इसको हम पीसते हैं। तो गाइस, ये हमने बिस्किट का अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया। अब ये इसका जो पाउडर है मैं इसमें डालूंगी। इसको अच्छे से मिला लेंगे। है ना एकदम सिंपल सी मिठाई, और फटाफट बन जाएगी ये, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी। अब इसको हम ना अच्छे से मिला लेंगे बहुत अच्छे से। मैं करती हूँ हाथ से काम, इसमें चलाएंगे इसमें हाथ। तो गाइस, ये हमारे पास है ना दो कलर की टूटी फूटी है। आपके पास और कलर हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास है ना दो कलर की ही है हाल फिलहाल, तो मेरे पास जो घर में रखे हुए सामान है मैं उसी से बना रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी टूटी फूटी डाल दूंगी, बाकी की हम ऊपर के लिए सजाने के लिए रख लेंगे। अब इसको मैं अच्छे से मैस कर लूँगी। अगर आपका ये बैटर हल्का सा लूज़ हो रहा है, गर्मी के कारण क्या है होता है घी मेल्ट होने लगता है, तो आप इसमें ना अमूल का पाउडर जो हो आप उसको भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिस्किट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है समझ में आता है ना ये चीज़ों से, तो आप जो भुने चने हुए चने आते हैं ना, तो आप उसके छिलके हटा के ना उसका पाउडर बना के भी इसमें डाल सकते हो, या मैदा को भी भून के इसमें डाल सकते हो, तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। लेकिन मैंने तो इसमें पार्ले जी के बिस्कुट का यूज़ किया है, तो मेरा बैटर तो बहुत अच्छा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल ही मेल्ट नहीं है, और अच्छे इनके लड्डू बनाना चाहो, पेड़े बनाना चाहो, बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन मैं इसकी पेड़े बनाऊंगी, तो मैं इसके पेड़े बनाने की करती हूँ तैयारी। पेड़े आप अपने हिसाब से ले, छोटे बड़े जैसे भी चाहें आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हम बनाएंगे इस तरह हथेली पे रख रख के ऐसे दबा देंगे। ओ, ये बन गए मेरे दो पेड़े तैयार हो गए। मैं ऐसे ही सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं गाइस, और ये फटाफट बनाए जाने वाली मिठाई है। आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आपको टेंशन की जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है, घर में ये रखे हुए सामान ही हैं जो अक्सर हमारे किचन में ही रहती हैं ये सामान, तो उनसे ना अपने मेहमानों के लिए त्यौहार पर ये वाली मिठाई बना के उन्हें खिला सकती हैं। गाइस, हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे चेरी, जो चेरी बची हुई थी, तो इसको
इसको हम अच्छे से सजा देंगे ताकि ये बहुत अच्छे लुक में आ जाए। और इतनी स्पीड से बनी है ये मिठाई, मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप बनाओगे ना तो बोलोगे कि हाँ वाकई में ये तो मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट थी और जल्दी बनाई जाने वाली है। आप इसको ऊपर से चेरी से सजाएं तो और अच्छी लगती है। तो गाइस फाइनली मेरी फटाफट बनाई जाने वाली मिठाई बनके तैयार हो गई है, ना इसमें चाशनी का झंझट और तो और इसमें गैस जलाने का तो काम बिल्कुल है ही नहीं है, और इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप इस जगह ना पार्ले जो मैंने बिस्किट डाले थे पार्ले जी के, अगर आप वो नहीं डालना चाहें तो आप इसमें ना चने आते ना भुने, आप उसका भी पाउडर बना के डाल सकते हैं, आप इसमें ना मैदा भी भून के डाल सकते हैं, आप इसमें बेसन भी भून के डाल सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप अगर इसमें ना बिस्किट का पाउडर डालोगे ना तो आपके पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, और आपको मेरी ये बिना मेहनत की मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटे पर प्रेस करना, तो ये फटाफट आपकी मिठाई बनेगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।